न्यूज नेशन। यूपी की सियासत में आजम खान और शिवपाल यादव लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। आजम खान जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आ चुके हैं और राजनीतिक पंडित उनके हर कदम पर नजर टिकाए बैठे हैं। जेल से बाहर आने के बाद सोमवार को आजम खान लखनऊ पहुंचे और वहां पर विधायक पद की शपथ ली, लेकिन अखिलेश यादव से दूरी बनाए रखी। शपथ लेने के बाद विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के बजाय आजम खान रामपुर लौट गए। वहीं आजम खान के बेटे शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर भी विधानसभा की कार्यवाही में मौजूद रहे, लेकिन जब सपा ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया तो अखिलेश यादव के साथ खड़े नहीं नजर आए। सपा विधायकों ने सरकार को किसानों को सस्ती बिजली, विपक्ष के लोगों पर झूठे मुकदमे नहीं लगाने, शिक्षा और सिंचाई सस्ती करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया, लेकिन अखिलेश यादव को सहयोगी दलों का साथ नहीं मिला। बस सपा के साथ आरएलडी विधायक ही नजर आए। दरअसल आजम खान 23 महीने से जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए हैं। इस दौरान ना तो मुलायम सिंह यादव ने कभी भी उनका हाल पूछा और ना ही उनकी रिहाई के लिए कोई आंदोलन किया गया। फिर सिर्फ एक बार ही अखिलेश यादव उनसे मिलने जेल गए थे। इसी बात को लेकर आजम खान के समर्थक सपा से नाराज चल रहे हैं। विधानसभा में हंगामे के दौरान शिवपाल यादव की नाराजगी साफ देखने को मिली, तो वहीं सपा के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली राजभर की पार्टी भी इस प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राज्यपाल एक महिला है और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विरोध करने की पुरानी परंपरा बदलनी चाहिए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव अकेले पड़ते जा रहे हैं, सहयोगी दल उनका साथ छोड़ रहे हैं। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन एक तरफ सत्ता पक्ष एकजुट दिखा तो वहीं विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।